चार दिन का मामला क्या हुआ, तो संडे को टेस्ट है आपका, और कराची हिस्ट्री का टेस्ट अगर 10:30 है तो इसका मतलब है कि आपको भाई 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आप वो भी कराची हिस्ट्री में रहे, पहले कॉलेजेस में भी होता था, तो सारा रश वहीं पे होगा। अब अगर 20-25 हज़ार का क्राउड पहुंचना है तो भाई 1-1.5 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करें टाइम से। मैंने एक मैप की वीडियो डाली है कराची हिस्ट्री के मैप की, उसमें बताया है कि भाई आपके अगर डिपार्टमेंट जो है बिजनेस, पब्लिक या कॉमर्स हैं तो सारा मस्कन से ज़्यादा बेहतर है, आर्ट्स लॉबी है तो गेट 1 से जाइए आप। पूरी मैंने उसमें डिटेल बताई है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, भाई बार बार बता चुका हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ भी नहीं है, और सीधी साधी बात ये कि टेस्ट के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं। सर हमने टेस्ट क्लियर करना है, लेकिन आप ट्राई यही करें कि अच्छे नंबर आए। इंग्लिश जनरल नॉलेज की वीडियोस कंटिन्यू में दे रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह स्टिल सैटरडे तक देता रहूँगा। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि भाई केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स की, अपने कॉमर्स की, बायो के सब्जेक्ट की तैयारी सबने की होती है, इंग्लिश की बहुत कम लोग करते हैं, जनरल नॉलेज में अपडेट्स होती हैं। मेरी अपनी बहुत लिखी हुई बुक्स है जनरल नॉलेज की यार, लेकिन जनरल नॉलेज में अपडेट्स जब तक ना हो बेकार है। अब मैं कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ तुम लोगों को, मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, देखते रहो। जितनी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ वो साथ साथ करते रहना तुम लोग। अब आगे का क्या करूँ यार, देखो अपडेट्स तो हमारी चल रही हैं बहुत सारी, ठीक है, और भी बहुत कुछ मैं आपको इंशाल्लाह ताला देता रहूँगा, मुख्तलिफ चीज़ें वीडियोस की सूरत में, दूसरी सूरत में, जितनी मेरी अपडेट्स आएंगी जनरल नॉलेज की वो ख़ास तौर पे कर लेना, टेस्ट से पहले पहले इंग्लिश की भी आ रही हैं, और सुकून से पेपर देने हैं, कोई मुश्किल नहीं। बहुत अरसे बाद कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद ले रही है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना हो, चांस ये कि सिंपल, बहुत टफ भी नहीं तो बहुत इजी भी नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही चांस है इस बार। कोई एक सब्जेक्ट में मसला हो सकता है, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिजिक्स की तो बहुत वीडियोज़ हैं मेरी, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा जो चैनल है सर अमीन एप टेकिंग, उसमें भी काफ़ी हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे ऑनलाइन क्लासें ली थी, इंस्टाग्राम पर हमारा एक अकाउंट है उसके थ्रू। तो बहरहाल अब फेडरल यूनिवर्सिटी का भी सिलसिला है जनाब, 15 तारीख से इसके दाखिले शुरू हो जाएंगे, वहाँ भी टेस्ट है। फेडरल यूनिवर्सिटी के पास पेपर के सोल्यूशन की भी वीडियोस में इंशाल्लाह ताला डालता रहूँगा, और फिर कराची यूनिवर्सिटी इवनिंग का आने वाला है, आज भी नज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का भी आ गया, उस पर मैंने एक वीडियो डाली है एडमिशन के हवाले से, पब्लिक सेक्टर की है वो भी, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका हो सकता है, जहाँ जहाँ चांस है। नेट 1 की प्रिपरेशन की भी चल रही है मेरे पास मामला, और नेट 1 की मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगा। फिर बच्चे आप लोग नेट 2 का भी टेस्ट दे सकते हो, नेट 3 के नस्बत 1-2 देना आसान होता है यार, आई भी आने वाला है 5 मार्च में। तो ये सारी वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी देखें, जब आप लोग टेस्ट देकर आ जाएंगे, फिर टेस्ट क्लियर होने के बाद क्या करना है, जिनका नहीं हुआ उन्होंने क्या करना है, फीस वगैरह कैसे सबमिट होती है वो सब, फिर जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह कैसे फिल होना है, ये सब वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला आपको मिलती रहेंगी बार बार। और फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला कोशिश है 3-4 दिन में मैं स्टार्ट कर दूँगा। जी हाँ, NED में है, मैथ्स में, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है वहाँ की मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी तो टफ है ना, तो इंशाल्लाह ताला सारी नहीं तो जितनी हो सकी वीडियोज़ उसकी भी मैं अपलोड करनी शुरू कर दूँगा। फिलहाल तो ये बात करनी है आप लोगों से, थैंक्स अ लॉट।